व्हाट्सअप गाइस, फिर से वापस आ चुका हूं मेरे नए वीडियो के साथ। एंड यार गाइस, आज मैं जो आप लोगों को मैप दिखाने वाला हूं, जो मैच दिखाने वाला हूं, मेरे हिसाब से आई थिंक मैंने अभी तक का मेरे करियर का बेस्ट फ्री फायर बेस्ट एक्शन देखा है। आई होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो में मजा आएगा। तो पहले लाइक करो, पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि वो काफी जरूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पास आ चुके 11,000 सब्सक्राइबर के। यस, दिस इज थाईलैंड फ्री फायर प्रो लीग सीजन 6 एंड कुछ आखिरी मैप के मोमेंट्स आप लोगों को दिखाऊंगा। AAA, KOG, EVOS, like all the best teams in the world इस लॉबी में आपको खेलते हुए देखेंगे। क्या मैप था, मैं तो अपने नाखून चबा रहा था। लाइक आप लोगों को तो पता है मैं क्या कर सकता हूँ जब ऐसे मोमेंट पे हो रहा होता है। मैं आप लोगों को वो आखिरी मोमेंट, आखिरी मैप का आखिरी क्लच आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या हुआ था उस सिचुएशन में। एनालाइज करके बताने वाला हूँ क्या हो सकता था। तो ज्यादा वक्त इंतजार करते हुए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। है आखिरी मैप कल के दिन का थाईलैंड फ्री फायर प्रो लीग का, जहां पे आपको EVOS, AAA एंड KOG एक महायुद्ध में लड़ते हुए दिखे। मैं प्ले करता हूं, ठीक है। EVOS के प्लेयर्स आपने देखा बहुत मुश्किल है, बट यहां पे आ जाइए, फोकस यहां पे लेके आइए। PCC मतलब पीकॉक क्लब ईस्पोर्ट्स के चारों के चारों खिलाड़ी जो हैं अलाइव हैं, और आप देख सकते हो AAA के जो है दो बंदे अलाइव हैं, विच इज पूनगॉड एंड केरो। अब इस सिचुएशन से देखिए, कोई भी प्लेयर, कोई भी कास्टर ऐसा ही बोलेगा कि ये नंबर एडवांटेज है, निकाल के चले जाएंगे। एंड फिर भी केरो यहां पे पहला नॉक निकाल के देते हैं सालिफ का, ठीक है। अब केरो एंड पूनगॉड का कोऑर्डिनेशन देख पा रहे हैं, फुल टीम को एक झटके में एलिमिनेट कर दिया, जहां पे तीन प्लेयर इकट्ठा रच कर रहे हैं, उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, उनको वो डरते नहीं है, उनको बस एक ही चीज पता होता है, वो है मारना। सालिफ, पैट्रिक एंड निकी, एक किल बस वहां पे गया पूनगॉड के पास। पूरी टीम को आप फिर से, मैं आपको थोड़ा स्लो मो में करके दिखा सकता हूं तो आप लोगों को फिर समझ आएगा। मैं 0.75 करता हूं। अब आप सिचुएशन देखिए, ये जो क्रोनो का शील्ड दिख रहा है आपको, पूनगॉड को देखिए, पोजीशन देखिए, उसको पता है कि यहां पे ग्रेनेड लॉन्चर आ सकता है, तो वो अपने आप यहां से ये एरिया से निकल के यहां पे घुस जाते हैं, ठीक है। अब फिर से मैं प्ले करता हूं, ये देखिए, ठीक है, बच गए। एक प्लेयर बाइक में है, गमेलो, ठीक है। अब उसके अंदर से ऑलरेडी केरो घुस चुके हैं, केरो यहाँ पे पैट्रिक को नॉक कर देंगे। गमेलो यहाँ पे बाइक में है, पूनगॉड उनको संभाल लेते हैं, ठीक है। आपको देखिएगा, आप गमेलो जो है, पूनगॉड उनको टेक डाउन कर देते हैं, उनका बाइक एकदम राइट हैंड साइड से था, बाइक से ऑलरेडी धुआं निकल रहा था, एक कैप्टन का शॉट पड़ा एंड गमेलो टेक डाउन हुए, पूरी टीम वाइप आउट हो गई। लाइक क्रेजी फाइट। अभी तक फाइट खत्म नहीं हुई, अभी तो असली चीज शुरू हो रहा है। रुक जाओ, काम के बैठो, वो तो ट्रेलर था, वो एक 1v3 फ्रॉम केरो एंड AAA की टीम। लाइक AAA इज मतलब कह सकते हो कि जस्ट अनलीश हुए हुए बीस्ट है, मतलब उनको अगर आप रोकोगे नहीं ना, वो आपको तोड़ देंगे। लाइक आपका मेंटेलिटी तोड़ देंगे, ये ऐसे प्लेयर्स हैं, एंड आपका कॉन्फिडेंस तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आप सिचुएशन में देख लीजिए, डेल्टा एक्स का एक प्लेयर, KOG के दो प्लेयर, PLM एंड AAA के प्लेयर्स जिंदा है सिचुएशन में, तो 2v2 1v1 ऐसा सिचुएशन। अब केरो को देखिए, वो इमीडिएटली सर्कल के अंदर जाना प्रेफर करेंगे। ये जो टावर दिख रहा है, ये टावर काफी जरूरी है, क्योंकि ये सर्कल यहीं पे जाके खत्म होता है। बट ये बाइक का मैटा, ये हम इंडिया में भी देखते हैं, आखिरी सर्कल में बहुत ज्यादा प्लेयर्स करते हैं, मीशा के साथ कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, इमलॉक नहीं हो पाता, ये इसी वजह से प्लेयर्स बाइक का इस्तेमाल करते हैं। बट केरो फिर भी बाइक से उतर के क्रोनो का शील्ड अनलॉक करके वो यहाँ पे डाउन कर देते हैं लियो को। मतलब केओजी के प्लेयर का डर नहीं है, ये केओजी है, ये सब फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। ये एक अलग ही लेवल का गेम प्ले चल रहा है यहाँ पे। मैं यही चीज तो बहुत बार देख के आश्चर्य हो जाता है, यार क्या कर रहे हैं ये लोग। अब इस सिचुएशन देखिए, मैं फिर से बैक करके फिर से प्ले करूंगा, ठीक है। इन्होंने नॉक किया है, ज्यादा ओवर कमिट नहीं करी, उनको पता है कि ऊपर केविन है, केविन मेरे को यहाँ, ऑब्वियसली बात है, केविन यहाँ से आराम से उसको ट्रेड आउट कर सकते हैं, ये शॉट यहाँ पे आ सकता है, और केविन हमें पता है कि स्नाइपर है इस टीम का, ठीक है। ओवर कमिटमेंट नहीं, ठीक है, शॉट लिया, उसको पता है खत्म हो सकता है। ग्लू वॉल नीचे भी, ग्लू वॉल प्लेस किया, क्योंकि ये बाइक से जो DX के नॉनी है, जो डेल्टा एक्स के नॉनी है, वो भी यहाँ पे डाउन कर सकते हैं, तो डबल प्रोटेक्शन, क्रोनो का शील्ड पीछे, ग्लू वॉल, बच जाएंगे, ठीक है। फिर भी नॉनी को पता लगे कि नॉनी भी यहाँ पे रुक नहीं सकते, नॉनी भी बाइक लेके निकल जाएंगे। एंड नॉनी, अब सिचुएशन देखिए, 1v1v1v2v सिचुएशन, KOG के एक प्लेयर, डेल्टा एक्स का एक खिलाड़ी, PLM का एक खिलाड़ी, बट AAA के पास अभी भी दो खिलाड़ी है, ग्रेनेड लॉन्चर है पूनगॉड के पास, बट पूनगॉड अभी भी अपने आप को ना वो सेटल नहीं करा पा रहे, क्योंकि ये एक बाइक वाला प्लेयर कंटिन्यूअसली घुमा रहे उनके कानों के पास से, जिस वजह से वो सेटल नहीं हो पा रहे। अब ये जो शॉट मारा, देखा केविन को ठीक मार्क करके मारा है, ठीक है। अब केविन का मूवमेंट देखना, केविन इमीडिएटली बाहर आता है, क्योंकि उसको भी पता है कि ग्रेनेड लॉन्चर आ रहा है तो डॉज करो। ये चीज होता है कि अगर सामने वाला भी शेर है तो मैं भी शवा शेर हूं, तो मुझे भी काउंटर करना आता है। अब केविन ने क्या किया, केरो जो उनके सेंटर में होल्ड कर रहे थे उनको डाउन कर दिया है। अब आप देखना, नोनी भी यहां पे जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। ये एक राउंड गया, ठीक है, इमीडिएट शॉट, नोनी भी गए, केविन ने दोनों को डाउन कर दिया। अब हो चुका है ये 1v1, पूनगॉड वर्सेस केविन, एक के पास ग्रेनेड लॉन्चर, एक के पास स्नाइपर,
दोनों के पास ग्लू वॉल्स नहीं है, सर्कल नहीं है, आप एकमात्र चीज उनके एडवांटेज में उनके फेवर में है वो है केविन हाइट में खड़े हुए हैं और पूनगॉट जो है लोअर डाउन द रेंज है। ये सिचुएशन देखिए, नेल बाइटिंग फिनिशर, लॉन्चर जो पड़ता है वो गाड़ी पे लग जाता है तो वो बच जाते हैं और सामने से इमीडिएट काउंटर आता है AWM का शॉट केविन की तरफ से। वो केविन का जो शॉट है वो पेड़ पे लगता है। अब आप देखिए कितना क्लोज है, ठीक है। और पूनगॉट को देखिए, ये जो फायर है ना, ये फायर का वो टाइमिंग बोलते ना इसको, टाइमिंग कि आग है, उनको क्लियर विजन नहीं मिल रहा है कि केविन जो है शॉट कनेक्ट कर दे और इमीडिएट क्रोनो का शील्ड। और अब एक चीज एडवांटेज केविन के पास ये है कि केविन के पास अभी भी ये सॉलिड टावर है और पूनगॉट के पास ये टेम्पररी क्रोनो का शील्ड है, जो मतलब अंदर से गोली बाहर नहीं जा सकती। अगर पहले वाला सिचुएशन होता तो शायद से यहाँ पे हम कह सकते कि पूनगॉट मार सकता, बट फिर भी पूनगॉट राइट हैंड साइड से थोड़ा बाहर निकल के शॉट कनेक्ट करने की कोशिश की केविन के ऊपर, थोड़ा सा डैमेज पड़ा बट केविन जो था वहां पे होल्ड कर रहा था, वो फिर भी वहां से निकला नहीं। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे एक दो मिनट का पॉज देता हूँ मैं, ठीक है, देखना यहाँ पे वेट करो, वो निकलेगा नहीं, वो निकलता ही नहीं। केविन को पता है कि मेरे पास ग्लू वॉल्स नहीं है, मैं आगे नहीं जा सकता एंड ये प्लेयर से कोई भरोसा नहीं है, घूम के एक शॉट मार देंगे फिर पे आप खत्म हो जाओगे, ठीक है, प्ले जोन से खत्म होता है, किल नहीं निकाला है। बट दिस इज कॉल्ड स्मार्ट प्ले, ब्रेन प्ले। हर बार आपको बाहुबल दिखाने की जरूरत है ऐसा नहीं है, आप दिमाग से भी खेल जाओगे तो आप उतना ही इफेक्टिव साबित हो गए। आई थिंक दिस वॉज समथिंग लाइक मैं देख के क्या हो गया, ऐसे कैसे लाइक ये प्लेयर्स खेल लेते हैं और इतने प्रेशरफुल सिचुएशन में जहां पे उनके नेशनल टूर्नामेंट चल रहा है, वर्ल्ड सीरीज क्वालिफाई करना है इन सबको, वहां पे इतना इनोवेटिव दिमाग, इतना काम हेडेड गेम प्ले दिखा रहे ना, लाइक बोलते ना काम हेडेड असैस लाइक किलर्स बोलते हैं ना, वैसे टाइप के लग रहे थे मुझे। एनीवेज आई होप कि आप लोगों को ये मैप देख के ये मैच के मजा आएगा, ये एनालिसिस पार्ट आप लोग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा जरूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए गाइस, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।